सो हेलो गाइज एंड नमस्ते एवरीवन, होप यू गाइज ऑल आर फाइन। ये वो इंट्रो था जिससे मैंने अपनी चैनल की शुरुआत इसी रूम में शुरू करी थी, इसी घर से मैंने द यूक्विजर सेमिनार राइटर की शुरुआत करी थी 5 साल पहले। मैं आपको बता देता हूँ, इतना अच्छा सा लग रहा है ना ये मोमेंट रिक्रिएट करके कि भाई स्टार्टिंग फ्रॉम अ DSLR कैमरा, आज 5 साल बाद अनुराग डोभाल ऐसा बाबू भैया व्लॉग कर रहे हैं। ये जो 5 साल की जर्नी रही है ना गाइज, ये 5 साल की जर्नी मेरी बहुत अमेजिंग रही है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला जिंदगी में। तो क्यों ना इस वीडियो को सबसे ज्यादा मेमोरियबल बनाया जाए, ये 5 साल की जर्नी इस छोटे से व्लॉग में तब्दील की जाए। मैंने अपनी शुरुआत एज अ मोटर व्लॉगर करी थी, बट धीरे धीरे करके मैं फैमिली व्लॉग्स में शिफ्ट होता गया। मतलब एक मिक्सचर था, कुछ मोटर व्लॉग्स की राइड, कुछ मम्मी के लिए नया फोन गिफ्ट करने के वीडियोस, कुछ पापा को KTM बाइक की राइड। आई डोंट नो, मैं बाइक चलाते चलाते कब अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करता गया। मेरी फैमिली मेरे व्लॉग्स का एक हिस्सा बनती गई, आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बनती गई। एज अ मोटर व्लॉगर शुरू तो कर लिया था, बट कोई ढंग की बाइक नहीं थी। तो फिर मैंने मम्मी से जिद करके बोला कि एक नई KTM की बाइक दिला दो। मम्मी से हाथ पैर जोड़ करके बात तो मनवा ली थी, बट सबसे मुश्किल काम पापा को मनाना था उस बाइक के लिए। बट वो कहते हैं ना कि अगर पापा से कोई भी बात मनानी हो ना तो मम्मी से सेटिंग कर लो, और फिर मम्मी से सेटिंग करके पापा से भी बाइक की बात मनवाई ली। पापा को फाइनली मना करके 1,00,000 रुपए पापा से इस शर्त पे ले लिए कि पापा मुझे एक व्लॉगर बनना है, मोटो व्लॉगर बनना है, तो मुझे उसके लिए एक बाइक चाहिए जिससे मैं ऑल इंडिया ट्रैवल कर सकूं। इसी बीच महीने की 300 रुपये की ट्यूशन फीस से ऑलमोस्ट लाइक 1.5 साल तक मैंने ट्यूशन स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाना शुरू कर दिया था, और मैंने अपने 1,00,000 रुपये सेव करके ये KTM 1,96,380 रुपीज की ले ली थी। ये अमाउंट मेरे को इसलिए याद है क्योंकि जब एक मिडिल क्लास लड़का अपनी पहली बाइक लेने जाता है ना, तो वो एक हर सोशल मीडिया पे ऑन रोड प्राइस हर वो वीडियो देखता है जिसमें इस बाइक का रिव्यू होता है या फिर रोड रिएक्शन होता है। एंड फाइनली आई बॉट माय फर्स्ट बाइक, दैट वाज दिस KTM RC 200 बैक इन 2019। उस KTM बाइक से मैंने अपनी पहली राइड करना शुरू करी, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस बाइक ने मेरे को यहाँ तक इस कलेक्शन तक पहुँचाया। आई बॉट माई फर्स्ट सुपर बाइक एको Z900, मैंने अपनी पहली सुपर बाइक ली थी जिस बाइक से मैंने शुरू करा था KTM, वो भी आज मेरे कलेक्शन पे है, एंड ये मेरी पहली सुपर बाइक थी। उसके बाद वी बॉट अ ZX-NR एको, वो अभी इस शूट में यहाँ पर है नहीं। उस KTM के बाद आई बॉट माई न्यू बाइक GS 310, वो बाइक कलमिंग यूज़ करता है। फिर उसके बाद मेरी नेक्स्ट बाइक थी Hayabusa। आई बॉट दिस, मेरी दिल्ली में इसकी डिलीवरी थी, एंड मैं इस बाइक को खरीद करके इतना खुश था। मैंने कहा Hayabusa एक ड्रीम बाइक थी सबकी, एंड फाइनली एक मिडिल क्लास लड़के ने धूम पिक्चर की बाइक अपने गैराज में खड़ी कर दी थी। मैंने Hayabusa खरीदी थी 2021 में, एंड उसके बाद 2022 में आई बॉट दी अल्फा ऑफ दी बाइक्स, दी हल BMW 1250 GSA। ये बाइक एडवेंचर के लिए बहुत फेमस थी। जो इसका मैंने पुराना वेरिएंट 310 खरीदा था ना, उसका ही एक नया वेरिएंट था। उस 2,00,000 रुपए की बाइक से आई बॉट माय सबसे महंगी कलेक्शन, द BMW 1250 GSA। उसके बाद आई मूव्ड ऑन टू सुपर स्पोर्ट्स सेगमेंट, एंड आई बॉट द BMW S1000RR। BMW की मेरे पास एडवेंचर सेक्शन तो थी, तो मैंने सोचा कि एक सुपर स्पोर्ट्स भी ली जाए, एंड देन आई गॉट द S1000RR। एंड उसके बाद इन 2023 आई बॉट माय मोस्ट एक्सपेंसिव कलेक्शन, Ducati Panigale V4S। गाइस, ये बाइक मैंने जॉन अब्राहम सर के पास देखी थी, तो सपना था कि ये बाइक कभी गैराज में खड़ा कर सकूं, and this is the collection that I made in Superbikes. Superbikes के collection के बाद मेरे को गाड़ियों का शौक चढ़ा, and मेरी पहली गाड़ी थी Mahindra Thar। उसके बाद I bought this Hilux guys, and उसके बाद supercars में जाने का मन करा, तो I got my first muscle car, that was Mustang GT, and उसके बाद I imported the Supra MK5। Supra का इंडिया में ना बहुत क्रेजी फैन बेस था, तो मैंने अपनी ऑडियंस के लिए I imported the Supra MK5 from Dubai। Supra MK5 खरीदने के बाद I got my dream car, the dream car of everyone, the Lamborghini Huracan LP 580। ये मैंने बिग बॉस के आने के बाद खरीद ली थी। ये जर्नी मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज स्टार्टिंग फ्रॉम दैट KTM टू होल्ड दिस एम्पायर वी हैव कम अ लॉन्ग वे। द UK07 राइडर एक मोटर व्लॉगिंग चैनल था, एंड ये गाड़ियों की जर्नी इस चैनल पे चलती रही। पता नहीं चला कि कब मोटर व्लॉगिंग के साथ मैं फैमिली व्लॉग्स भी बनाने लग गया था, बट आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरे को ऑलमोस्ट डेली व्लॉगिंग करते हुए 2 साल हो गए।
इन 2 साल के जर्नी में पैसा, फेम, इज्जत, प्यार, लोग कमाए। टीवी पे जाने का सपना था, टीवी पे जाने का सपना भी पूरा कर लिया। जिंदगी में ना मुझे आप लोगों ने ना एक चीज जरूर सिखाई थी कि भाई लाइफ में कुछ भी चल रहा हो ना, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, हम लोग तेरे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। एंड यू गाइस प्रूव्ड इट। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने इस नॉर्मल देहरादून के लड़के को दुनिया का नंबर वन मोटो व्लॉगर भी बनाया। इस पूरी जर्नी में सबसे बड़ी चीज जो मैंने कमाई वो कमाया था लोगों का प्यार, इज्जत और ट्रस्ट। मेरे को पता ही नहीं चला कि मैं कब अनुराग डोभाल से बाबू भैया बन गया। एंड आज बाबू भैया इस व्लॉग में आपको ये बताने वाले हैं कि बाबू भैया अपनी जिंदगी का एक सबसे मेजर डिसीजन ले रहे हैं। आई एम रियली इमोशनल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये वीडियो शूट करते हुए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस के साथ मेरा किस लेवल पे कनेक्ट है। आप लोगों ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, आप लोगों ने मुझे हर एक पॉइंट पर सपोर्ट किया है। एंड इस पूरी जर्नी में पता है सबसे अमेजिंग बात क्या थी कि मेरे जैसे लड़के जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, वो मेहनत कर रहे थे YouTube पे अपना एक प्लेटफॉर्म सिक्योर करने के लिए, एक पूरा करियर बनाने के लिए। एंड आई ऑलवेज सपोर्टेड देम, फिर चाहे वो राइड पर मिलना हो या फिर घर आकर के मिलना हो, मेरे से जितना हो सकता था मैंने हर एक बंदी की अपने हिसाब से उस लेवल पे हेल्प आउट करी। बट आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बाबू भैया एकदम रैंडम सी ये वीडियो क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जब लोगों को ज़िंदगी मिलती है ना तो उनकी ज़िंदगी उनके पैदा होने वाले दिन से ही शुरू हो जाती है। मेरी जो असल ज़िंदगी शुरू हुई थी ना वो 16 साल के बाद शुरू हुई थी, क्योंकि मुझे बचपन में ही ब्रेन ट्यूमर हो गया था एंड मैंने अपनी ज़िंदगी के 16 साल दवाइयों पे काटे। ब्रेन ट्यूमर ख़त्म होने के बाद मेरी असल ज़िंदगी शुरू हुई। 16 से 26 साल तक का जो ये सफ़र था ना, उस सफ़र में जो भी चीज़ें मैंने कमाई हैं, सीखी हैं, वो सब आज आपके सामने। मैं जितना सीख सकता था, मैं जितनी मेहनत कर सकता था, वो मैंने इन 10 सालों में मेहनत की है एंड आज सब कुछ आपके सामने। मेरी अच्छाइयाँ, मेरी गलतियाँ, मेरी बुराइयाँ, मेरी मेहनत, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, सब कुछ आज आपके सामने। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते थे, बाबू भैया थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग अस। पूरी जर्नी में मैं जो भी कुछ सिखा पाया, इंस्पायर करा पाया, वो इतना था कि बस जो भी करोगे ना अपने माँ बाप के लिए करना। मैंने जो कुछ भी एम्पायर खड़ा करा है, जो कुछ भी कमाया है, वो सब अपने माँ बाप के बदौलत कमाया और उनके लिए कमाया है। एंड ये वीडियो में मैं इसलिए ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ क्योंकि जो पता है कि ये बहुत इमोशनल सी बात है मेरे लिए कहने के लिए, बट अब जो मैं नेक्स्ट लाइफ में स्टेप इन करने जा रहा हूँ वो लाइफ का एक नेक्स्ट पार्ट है। फ्रॉम अ बॉय टू अ मैच्योर मैन की जर्नी, फाइनली आई एम स्टेपिंग इन। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली है, लेकिन बाबू भैया ने जितने भी प्रोमिसज आज तक किए हैं वो सारे निभाए हैं। डेली व्लॉग्स अभी भी आते रहेंगे गाइस। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने नए चैनल का लिंक दे दिया है, बाबू भैया। इस चैनल पे हमारी ज़िंदगी की एक नई जर्नी की शुरुआत होने जा रही है। बहुत कुछ अमेजिंग। एंड ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आई फील एक्सप्रेसिंग माई ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स योर सेल्फ। लाइफ में अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट फाइनली अनलॉक, एक ऐसी चीज़ अचीव करी है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप लोगों को दिखेगी। एंड शुक्रिया आज जोड़ करके यार ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। जो भी चीज़ें लाइफ में होने वाली है ना वो मेरी लाइफ ऑलमोस्ट पलट चुकी है अभी तक, एंड इसीलिए मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए बाकी चीज़ों पे फोकस करने के लिए। मैंने अपने नए चैनल का लिंक इन डिस्क्रिप्शन दे रखा होगा, बाबू भैया का। वहाँ पर आपको एक नई जर्नी की शुरुआत, एक नई परिवार की शुरुआत, एक नई कहानी की शुरुआत देखने के लिए मिलेगी। यू पी सिम राइडअप वाले चैनल पे डेफिनेटली वीडियोस आएंगी, बट जो एपिसोड्स इस चैनल पे ड्रॉप होंगे उनका लेवल और उनका कंटेंट बहुत नेक्स्ट लेवल होने वाला है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। दिस इज यू पी सिम साइनिंग ऑफ। अच्छा नहीं लग रहा है बोलते हुए, बट स्टिल दिल दिन बी से एंड राइट से गाइस।